हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। चलिए, ये वीडियो केवल सीए फाइनल वालों के लिए है और हर उस सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए है जिसका अटेम्प्ट चाहे ये वाला मई हो या मई के आगे के कोई भी अटेम्प्ट हो। सबसे पहले मई 2020 में अपियर होने वाले सीए फाइनल स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, आप उसकी एक एक लाइन अच्छे से गो थ्रू करके जा रही हैं, चाहे आपने पास्ट में कभी भी पढ़ा हुआ है। और अगर गो थ्रू करने में दिक्कत है तो हमारी जो वीडियोस जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की लगातार आ रही हैं उनके अंदर आपको वो जो चेंजेस सीए इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो बताते रहूँगा मैं। जैसे डायरेक्टर्स की वीडियो जो है अगले 1 या 2 दिन के अंदर चैप्टर खत्म होने वाला है, पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक वीडियो के अंदर एक छोटी सी 15-20 मिनट की क्लिपिंग के अंदर मैं बताऊंगा कि इस बार के स्टडी मटेरियल में डायरेक्टर्स के अंदर अगर कोई एग्जाम्पल भी नया डाला है इंस्टीट्यूट ने तो वो कौन सा डाला है। ठीक हो गई बात। तो प्लीज मेक श्योर इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल करके जाएंगे, वही हमारे लिए सब कुछ है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। प्लीज मेक श्योर अच्छे से एनालिसिस पे जोर देना, चार्ट्स पे जोर ज्यादा मत देना। मैं बार बार कहता हूं चार्ट्स थियोरिटिकल, जो पूरी तरह से थियोरिटिकल सब्जेक्ट हो ना उनके लिए होता है। अपनी क्लासेस में लॉ का जो पेपर आ रहा है वहां एनालिसिस पे ही जोर रखना। एनालिसिस जो आपने कर रखा है अपनी क्लासेस में, चाहे वो कहीं से भी की हो चाहे मेरी की हो, तो वो जो रजिस्टर हमने एनालिसिस के भरे होंगे उनको प्लीज 2 या 3 बार पढ़ना, क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज का लॉ के अंदर। ठीक है, तो पहली बात स्टडी मटेरियल, दूसरी बात आप क्या करेंगे, आप एनालिसिस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देंगे रादर देन गोइंग थ्रू द चार्ट। चार्ट थ्योरिटिकल पेपर में तो पास करवा सकता है, मगर अब जब एनालिटिकल पेपर आता है तो उसमें वो भगवान मालिक होता है फिर चार्ट से गो थ्रू करने वालों का। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कसम खा लो, मैं हर अटेम्प्ट से पहले कहता हूं, मई 2020 वालों तुम ध्यान रखना, कसम खा लो कि जो इंस्टीट्यूट की मार्च में एमटीपी आएगी आप उसे जरूर करेंगे, आप उस एमटीपी को जरूर 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 सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई बात। बस इन 3 बातों का ध्यान रखना मई 2020 वालों, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी तैयारी के लिए। एमटीपी जो भी आएगी इंस्टीट्यूट का, वेरी नेक्स्ट डे हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, पास्ट अटेम्प्ट से भी करते आ रहे हैं और इस बार भी हो जाएगा। ये 3 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर। ठीक हो गई बात। और एक और बात, खासकर पीएमएलए की एक रिविजन वीडियो मैंने यूट्यूब पे प्लस टेलीग्राम पे डाली है। पीएमएलए में स्टडी मटेरियल में कुछ ज्यादा चेंज हुआ है तो इसलिए वो वीडियो जरूर रेफर करके जाना, उसे छोड़ना मत। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वालों के लिए। देखो जी, जो सबसे बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड था और जो अवेटेड था फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे 30 जनवरी 2020 में ये चेंज फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, और वो है वाइंडिंग अप से रिलेटेड रूल्स। फाइनली वाइंडिंग अप से रिलेटेड रूल्स हैव बीन नोटिफाइड। ठीक हो गई बात। और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020, मई 21 एंड नवंबर 21 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब जो स्टूडेंट पास्ट में हमसे करके बैठे हैं क्लासेस, प्लीज प्लीज आप घबराना मत, क्योंकि जैसे ईसीबी में चेंजेस आए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में मैंने पूरे चेंजेस यूट्यूब पे दिए, अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए, वैसे ही जो पास्ट में करके बैठे हैं वाइंडिंग अप के सारे रूल्स का डिस्कशन मैं यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। और जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है तो वो हमारा ये जो बैच शुरू हो रहा है 10 फेब से, इसके अंदर ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट होंगे ऑलरेडी। तो नवंबर वालों, सबसे बड़ा चेंज मैं कहूंगा आ चुका है, और अब आप लॉ की अगर कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस टाइम दिस वुड बी अ परफेक्ट टाइम नाउ, क्योंकि यही चेंज सबसे ज्यादा अवेटेड था। आईबीसी ऑर्डिनेंस एक आया था नवंबर 2020 के लिए, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो नवंबर 20 अटेम्प्ट में उसके आने की पॉसिबिलिटी निल बटा सन्नाटा है। मई 21 और नवंबर 21, अब जो चेंज जो आपके लिए आ सकता है वो सबसे ज्यादा चेंज एक्सपेक्टेड हो सकता है आईबीसी के अंदर ही, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर ही। तो मैं हर अटेम्प्ट से पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की तभी लेटेस्ट रिवीजन वीडियो बनाता रहता हूं, जैसे इस बार भी मई 20 के लिए एक वीडियो दी है, और वो मई 20 की वीडियो जो लॉन्च की है ना उसके नवंबर
के लिए जो वीडियो थी उसी के सबसे लास्ट में आधा घंटा मैंने अमेंडमेंट पे चर्चा की है कि ये अमेंडमेंट है। वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम पेज पे अवेलेबल है, तो प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा लॉ की प्रिपरेशन के लिए, खासकर मई 2020 वालों जो दो तीन चीजें कही हैं उनका ध्यान रखिएगा। सबसे जरूरी बात, एनालिसिस पे ध्यान देना, एनालिसिस पे, चार्ट्स पे नहीं। ये बात इक्वली एप्लीकेबल है सभी आगे के अटेम्प्ट वालों के लिए भी। थैंक यू, हम ऐसे ही अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो। मेरी अगली वीडियो जो अभी टेलीग्राम पेज पे आएगी, वो इंस्टीट्यूट ने अपनी RTP के अंदर दो कॉम्प्रिहेंसिव के स्टडीज दी हैं, हम लोग उसकी डिस्कशन अभी थोड़ी देर में ही उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आज ही अपलोड हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।